तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा नजारा है, मतलब आगे देख रहे हो आप। तो कुछ दिख रहा है आपको बाहर? मतलब इतनी धूप है बाहर, क्या बताऊँ। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल हूँ कोटद्वार में, और मेरी जो दिल्ली टू कोटद्वार अगर जर्नी आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाके देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि पहले अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और दिल्ली टू कोटद्वार तो वो भी आपको समझ आएगा। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं और मैं कोटद्वार पहुँच गया था लगभग 3:30 बजे, और उसके बाद मैं अभी अपने रिलेटिव के घर पे हूँ, यहाँ पे मैं रेस्ट कर रहा हूँ, और इसके थोड़ा बहुत अभी हम कोटद्वार घूमेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कोटद्वार को, मतलब कि जो जो जगह यहाँ पे। मतलब मैं मॉर्निंग में उठ के जैसे टेरेस पे गया था ना, तो मुझे क्या व्यू दिखा था, और अगर आपको वो व्यू देखना है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और हाँ, सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही है ना, तो आप पहले पुरानी वीडियो देखिए, इससे पहले वाली, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा कहीं भी, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी या तो आई बटन में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। मैंने सोचा कि थोड़ा कोटद्वार भी आप लोगों को घुमा दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे एक दो जगह हैं जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ और आप लोगों को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उससे पहले हाँ, मैं आपको यहाँ के दिलकश नज़ारे दिखा दूँगा एक बार, जो कि मतलब देख के मैं खुश हो गया। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको टेरेस में आके एक मतलब दिलकश और लाजवाब नज़ारा दिखाऊंगा। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे की काफ़ी, देख रहे हो काफ़ी मतलब हरियाली है चारों तरफ ही, चारों तरफ पूरी हरियाली दिख रही है, और काफ़ी तेज़ धूप है तो इसलिए मैंने सनग्लासेस लगा लिए हैं, और धूप है, धूप वाली गर्मी है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, क्योंकि नेचर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। देखिए दोस्तों पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, और बाकी इसे इग्नोर करना, जो स्वेटिंग आ रही है इसको इग्नोर करना, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है तो उस वजह से मुझे काफ़ी तेज़ गर्मी भी लग रही है। और पीछे माउंटेन्स देख रहे हैं आप, मतलब इतनी प्यारी लोकेशन है ना, जो हिल्स एरिया है ना उसके स्टार्ट होने से पहले ये एक सिटी पड़ती है कोटद्वार, जहाँ पे मैं आया हूँ अभी। सो कल हम ट्रैवल करेंगे हिल्स में, तो वो आपको दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ की सिटी में हूँ। ये था व्यू जो कि मैं आपको बताया था, जो टेरेस से एक व्यू आ रहा था वो है ये व्यू। चलिए चलते हैं बाहर और आप लोगों को घुमाते हैं कहीं। सो हेलो दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब मौसम अच्छा हो चुका है पहले से, और मतलब धूप कम हो चुकी है, मतलब काफ़ी तेज़ धूप थी पहले और अभी काफ़ी मतलब कि राहत है, अभी धूप में धूप नहीं है और हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो हमने सोचा अब निकलते हैं, थोड़ा कोटद्वार को एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के लिए, और थोड़ा हम भी घूम लेते हैं क्योंकि हमें दो चार जगह जाना था। दोस्तों यहाँ से हमने ऑटो ले लिया और हम जा रहे हैं, जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है यहाँ घूमने की, वो है सिद्धबली मंदिर। सो हम जा रहे हैं सिद्धबली मंदिर, काफ़ी माना गया मंदिर है हनुमान जी का, और मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ, बट उस टाइम पर मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन बट इस टाइम मैं दर्शन करने जा रहा हूँ सिद्धबली मंदिर के, उसके साथ साथ आप लोगों को भी उसके दर्शन करवाऊँगा। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. दोस्तों अभी हमने प्रसाद भी ले लिया है और हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर की साइड। तब अभी तो फ़िलहाल खाली है और काफ़ी इजीली दर्शन हो जाएंगे हमें, मतलब कि ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे पूरा मतलब खाली है, और अभी इवनिंग का टाइम है, वैसे सारे लोग मॉर्निंग में आते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर हम एक बार घंटी बजा देते हैं। तो काफ़ी अच्छा वेदर हो चुका है, मतलब पहले से काफ़ी बेटर वेदर है, और यहाँ से हम चढ़ के आए, और यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी घंटी है, यहाँ पे वैसे बजानी पड़ेगी।
बड़ी घंटी थी और अभी हमें ऊपर चढ़ना है। ओके तो चढ़ते हैं, साथ के साथ आपको भी लेके चलते हैं। तो एक बार जब मैं पहले आया था यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ पे आके। और मतलब इतना बड़ा मंदिर है कोटद्वार में और यहाँ पे आश्रम वगैरह भी हैं काफ़ी, मतलब पूरा अच्छा व्यू है यहाँ से। देखता हूँ एक व्यू देख लो आप इधर से, कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। और हवा भी चल रही है लेकिन सेटिंग मेरी बार बार हो ही रही है। और ये देखिए घंटी, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से चारों तरफ का। यहाँ से आप देखिए पूरा कोटद्वार आप यहाँ से देख सकते हैं टॉप से सामने। मेरी तो इतने में चलती सांस फूल गई। प्रसाद मिल चुका है बजरंग बली जी का, तो आप लोग भी ये प्रसाद ले लीजिए।
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. दर्शन कर लिए और मेरे साथ ही आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए शिवबली मंदिर के। और जहाँ तक कि आपको ये मंदिर काफ़ी अच्छा और बड़ा लगा होगा देखने में, भी काफ़ी मज़ा आया मुझे यहाँ पे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मौसम हो जाएगा इवनिंग में। और फिलहाल अभी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और हम जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस चक्कर में इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा दूसरा पॉइंट है मैं वहाँ पे जाके कंटिन्यू करता हूँ, आपको वो नज़र आएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो चुका है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज के दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं कोटद्वार में। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight?